नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वे यूएन से लेकर यूएस तक लगातार कश्मीर मसले पर प्रोपोगेंडा चला रहा है, लेकिन पूरी दुनिया धूर्त पाकिस्तान की चालबाजी समझती है, इसलिए कोई भी देश उसके झूठे प्रचार पर ध्यान नहीं दे रहा है। हर तरफ से मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा यानी यूएनजीए में झूठ का पुलिंदा लेकर पहुंचने वाला है। भारत ये बात अच्छी तरह से जानती है कि यूएनजीए में हिस्सा लेने जा रहा पाकिस्तान वहां भी कश्मीर का रोना ही रोएगा, इसलिए भारत ने भी पाकिस्तान की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल सितंबर के आखिर में दुनिया भर के नेता यूएनजीए में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में जुट रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी 21 सितंबर को अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां कश्मीर मसले पर तनाव के बीच दोनों नेता आमने सामने होंगे। पाक पीएम इमरान खान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे यूएन में कश्मीर मसला उठाएंगे। पीओके के मुजफ्फराबाद जलसे में जिहादी भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना। जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कब जाना है। अभी आपको नहीं जाना है, पहले मुझे यूनाइटेड नेशन जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो। कश्मीर का मसला हल नहीं किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर जाएगा। कश्मीर पर बौखलाए इमरान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा अमेरिका मोदी मय रहेगा और खुद अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी की रैली में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर विलाप सुनेगा कौन? एक तो पूरी दुनिया पहले से ही पाकिस्तान के झूठे प्रचार पर ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी तरफ मोदीमय अमेरिका में इमरान का झूठ का पुलिंदा नकारखाने में तूती की तरह ही होगा। दरअसल फ्रांस में G7 की बैठक के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, वही गर्मजोशी अब अमेरिका में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि 22 सितंबर को ह्यूस्टन में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम हाउडी मोदी में खुद डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा लेने वाले हैं। बस व्हाइट हाउस से पुष्टि होनी बाकी है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में 50,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं, जिसे पाकिस्तान की भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश धरी की धरी रह जाएगी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन में होने वाले पीएम मोदी की रैली में जाते हैं तो ये वैश्विक राजनीति में नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन अंत में ये भी याद रखें कि विश्व भारत चीन और भारत के ट्रायंगल पर निर्भर है। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम ठीक वैसे ही होगा जैसे साल 2015 में यूके में हुआ था। उस कार्यक्रम में तत्कालीन पीएम डेविड कैमरन मोदी के कार्यक्रम में आए थे। तब मोदी वेम्बले स्टेडियम में भारतीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। डेविड कैमरन की तरह ट्रंप भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप के इस कार्यक्रम में शामिल होने को अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल अमेरिका में चुनाव है। 21 सितंबर को अमेरिका पहुंच रहे पीएम मोदी 22 सितंबर को जहां ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो वहीं विश्व के कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा 27 सितंबर को कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को लताड़ने के साथ ही नसीहत भी दे सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी फिनलैंड से सीधे यूएस पहुंचेंगे, जहां वो अपने समकक्षों के साथ बैठक करेंगे। बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार यूएनजीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को यूएन में किस तरह धूल चटाई थी, देखिए सुषमा स्वराज का वो ओजस्वी भाषण। एक महिला होने के नाते मुझे आपके चुनाव पर व्यक्तिगत तौर पर भी गर्व महसूस होता है, और आपका चुनाव मुझे ये भी याद दिलाता है कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष भारत से ही चुनी गई थी। सन 1953 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र के 8वें सत्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं 72वें सत्र के अध्यक्ष श्री लाइजेक के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने 72वें सत्र का संचालन बहुत सुचारू रूप से किया था। अध्यक्ष जी, आज सुबह बहुत अशुभ समाचार मिला है। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी दोनों त्रासदी एक साथ आई हैं। मैं आज इस मंच से अपने देश भारत की ओर से इंडोनेशिया की सरकार और वहां के लोगों के प्रति
गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और इसके साथ ही इस त्रासदी का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देती हूँ। अध्यक्ष जी, संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मंच है, जहां दुनिया के सुख दुख सांझे किए जाते हैं, जहां अविकसित तथा कम विकसित देशों की सहायता के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जहां विश्व को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2015 में हमने वर्ष 2030 का एजेंडा निर्धारित करते हुए टिकाऊ विकास के लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रचना की थी। उसी समय से यह कहा जा रहा है कि यदि भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा तभी हम सफल हो पाएंगे, वरना हम फेल हो जाएंगे। आज इस मंच से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि भारत आपको कभी फेल नहीं होने देगा। वर्ष 2030 के एजेंडा तथा टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस गति और जिस पैमाने पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य शुरू किया है, हम समयावधि से पहले ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। इस संबंध में भारत में जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी एक झलक के रूप में मैं कुछ योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, विश्व की सबसे बड़े आर्थिक समावेश की योजना फिनेंशियल इंक्लूजन की योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है जनधन योजना। इसके अंतर्गत 32 करोड़ 61 लाख ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं जिन्होंने पहले कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था, और अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली राशि सीधे उन खातों में डाल दी जाती है, जिसके कारण गरीब को पूरा पैसा मिलने लगा है और बीच का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। इसी तरह भारत में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इसी सप्ताह 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि उनकी बीमारी के इलाज के लिए दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में ये योजना क्रांतिकारी साबित होगी। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एक प्रार्थना की जाती है जिसमें हम कहते हैं सर्वे संतु निरामया, यानी सब निरोगी हों, ये योजना उस कामना की पूर्ति करेगी। इसी तरह बेघरों को घर देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना हमने चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 2,95,00,000 आवास शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे, ताकि 2022 तक हर गरीब के पास अपना घर हो, कोई भी बेघर न रहे। और अभी तक 53,50,000 मकान बनाए जा चुके हैं। इसी तरह बेरोजगार लोगों को स्वरोजगारी तथा उद्यमी बनाने के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देकर और मुद्रा योजना के माध्यम से काम शुरू करने के लिए ऋण देकर दो प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से ये उल्लेख करना चाहूँगी कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 14,09,00,000 लोगों को ऋण दिया गया है, जिसका 76% महिलाओं को दिया गया है। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है कि यदि गरीबी का उन्मूलन करना है तो सबसे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण करना होगा। मैंने जितनी योजनाओं का उल्लेख किया है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, और कुछ अन्य योजनाएं केवल महिलाओं को ही लाभ देने के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, मातृत्व अवकाश योजना। पिछली बार मैंने इसी मंच से उज्ज्वला योजना के विषय में उल्लेख किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। मातृत्व अवकाश योजना यानी मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम, इसके अंतर्गत भारत में कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए 26 हफ्तों की छुट्टी वेतन सहित दी जाती है। अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते आप इस योजना से महिलाओं को मिलने वाले लाभ को आसानी से समझ सकती हैं।
हम सबको जानकारी है कि कुछ विकसित देशों में वेतन सहित 6 हफ्तों की छुट्टी प्राप्त करने के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन भारत ने वेतन सहित 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लागू कर दिया है। अध्यक्ष महोदया, सन 2022 में आज़ाद भारत 75 वर्ष का हो जाएगा और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। वो भारत कैसा होगा? वो भारत होगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, विकसित भारत और ऊर्जावान भारत, शक्तिमान भारत। हम बहुत तेज गति से इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2022 तक ये संकल्प सिद्धि में बदल जाए, इसका पुरजोर प्रयास कर रहे हैं।